देखिए, मैं नीचे उतरा तो मैंने देखा कि आबान खाने में लगे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं। खाना मुझे सबसे अच्छा लगता है, खाना मेरी जिंदगी है, उसके अलावा मेरी कोई जिंदगी। इनको मसाले वाला ऑमलेट चाहिए था। नजर मत लगाएं। नजर नहीं लगाएं। और ये है मेरी कैट लूना, इसने भी चार बच्चे दिए हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूँ बाद में। वो ऊपर है, सो रहे हैं, डिस्टर्ब नहीं करूँगा उन्हें। कैसे हैं सब? आज थोड़ा लेट हो गया मुझे उठने में। मैंने बताया था कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, तो आज थोड़ा लेट भी हुआ। वो रात भर सो भी नहीं पाया और काफ़ी लेट हो गया उसको, फिर मॉर्निंग में सोया। अभी ही इज़ बिट फाइन, देखते हैं, होप करते हैं इंशाल्लाह वो बेहतर हो जाएगा कल तक। और होप करता हूँ कि रात में तबीयत उसकी बेहतर है, वरना फिर रात में जागना पड़ेगा और वो भी काफ़ी परेशान हो चुका है। तो अभी मैं निकलता हूँ, फिर अभी मुझे जाना है भाई के घर, कुछ काम था, तो चलते हैं वरना लेट हो जाएगी। लेट हो जाएगा तो फिर मुझे और भी कहीं जाना था, भाई से पहले मिलना था, तो चलते हैं फिर भाई से मिलते हैं, उनसे कुछ काम भी था। ये मैं अब निकल चला हूँ अपना न्यू ब्रिज की तरफ से। ओल्ड ब्रिज से ट्राई किया था लेकिन उधर इतना ट्रैफिक था कि मुझे वापस से यू टर्न लेके वापस आना पड़ा इस नए वाले ब्रिज की तरफ। यहाँ से थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है कि ईज़िली यहाँ से बस ब्रिज क्रॉस करके लेफ़्ट लेके राइट स्लाइड राइट लेके और निकल सकते हैं सिटी के अंदर। ये राइट साइड तो पार्क है और ये न्यू अभी कुछ 4-5 साल पहले रोड बना है, पहले रोड था नहीं ऐसा, बहुत मिट्टी वाला रास्ता था तो लोग आते नहीं थे। अभी ये रोड बन गया है तो काफ़ी स्मूथली निकल जाते हैं सब, ट्रैफिक भी कुछ भी नहीं मिलता। और ये राइट साइड पे जो मस्जिद दिख रही है आपको, मॉस्क, ये बहुत पुरानी मस्जिद है, यहाँ हम लोग आया करते थे अपने मामा मामू के साथ और सबके साथ नमाज पढ़ने। अभी तो ज़्यादा ये यहाँ पर हूँ नहीं, मैं करीब 2 साल से नहीं गया इस मस्जिद में। अभी भी अजान हो रही है, चलते हैं देखते हैं, नमाज़ पढ़ के निकलते हैं, वरना फिर नमाज भी निकल जाए छुट जाएगा तो चले देखते हैं। फिर नमाज़ का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ लेते हैं, नमाज़ पढ़ के फिर फ्री हो जाते हैं। नमाज़ के बाद फिर निकलूँगा वरना लेट हो जाएगा, लेट होगा तो उसे दिक्कत हो जाएगी। बहुत ही ब्यूटीफुल मस्जिद है ये। चलते हैं नमाज के बाद फिर मिलते हैं आपसे। भाई के घर से आ गया हूँ, घर आके देखा तो आबान की पढ़ाई चल रही है। इनके वायरल था तो ये 4-5 दिन से पढ़ नहीं रहे थे, इनके मास्टर जी की भी छुट्टी थी, मौलवी साहब की भी, आज ही पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मौलवी साहब आने वाले हैं, तो आज आबान पढ़ाई कर रहे हैं काफ़ी दिन बाद। चलिए दोस्तों, बताइएगा कैसा लगा आपको व्लॉग, लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट तो ज़रूर करके बताइएगा कैसा लगा व्लॉग, आपके कमेंट से तो अच्छा लगेगा, कुछ हिम्मत ताकत मिलेगी और अच्छा बना सकूं। तो मिलते हैं कल के नेक्स्ट व्लॉग में, तो आप लोग
प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और लाइक भी करना, और जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।